Hey Sellers, I am Rajat from Minerator.com and ask you में मैं आपसे कुछ ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको अभी इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि वो सारे बहुत ही मेलेसियस है, बहुत सारे मतलब फ्रॉड टाइप का ऐप्स है वो, एंड आपके इन्फॉर्मेशन को वो सेल कर सकते हैं एंड करते भी है बहुत सारे ऐप्स। तो यह बहुत ही मतलब फालतू की ऐप्स है, बहुत सारे फालतू के एड्स देखने को मिलेगा उन सारे ऐप्स में आपको। तो यहाँ आज के वीडियो में आपको 100 से भी ज़्यादा ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको अनइंस्टॉल करना चाहिए, एंड यह बहुत सारे मतलब हानिकारक हो सकती है आपके लिए, आपके फ़ोन के लिए, अगर वो ऐप रहेगा आपके फ़ोन में। तो चलो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो ऐप है ना वो है यूसी ब्राउज़र, जो कि मैंने भी यूज़ करके रखा है, लगभग हर लोग यूज़ करते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद आपने भी कभी यूज़ करके रखा है उस ऐप को, एंड अभी भी शायद आपके फ़ोन में अब ये इंस्टॉल्ड है, मतलब मुझे लगता है। यूसी ब्राउज़र एंड यूसी मिनी जो है ना, ये सारे के सारे मतलब इतना घटिया ऐप है ना, क्या बताऊँ मैं। एंड मैं मतलब एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको साइड में, आप देख लेना मतलब कितना घटिया ऐप है ये, क्या क्या करते हैं वो। मतलब वो सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बिना इनक्रिप्ट करके, मतलब वो इंटरनेट में, मतलब इंटरनेट में जो भी कंपनीज है ना उन लोग एक्चुअली कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी को सेंड करना है तो इनक्रिप्ट करके देता है एक्चुअली। तो मतलब अलग एक लैंग्वेज में देता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग एक लैंग्वेज में देते हैं, जो मतलब कोई हैकर अगर इन्फॉर्मेशन मतलब हैक कर भी लेते हैं तो भी वो पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है, वो अलग ही लैंग्वेज में होता है, लेकिन अलीबाबा को भेज देते हैं ये। मतलब यूसी ब्राउज़र जो है ना, वो अलीबाबा जो है ना चाइना को, जैकमा का जो कंपनी है या जैकमा का जो अलीबाबा है उसको मतलब ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं बिना इनक्रिप्ट करके। मतलब सोचो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बिना इनक्रिप्ट करके भेज दे रहे हैं। गूगल भी, गूगल के जो सर्वर है वहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं लेकिन वो इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, लेकिन अलीबाबा को भेजते हैं यूसी ब्राउज़र बिना इनक्रिप्ट करके। ऊपर से आप बस यूसी ब्राउज़र का जो जो इंटरफेस है ना वो देखो, मतलब इतना घटिया घटिया न्यूज़ सेंड करते हैं ना, फालतू की न्यूज़ कुछ भी मतलब, एंड बहुत सारे परमिशन भी लिख के रखता है एक्चुअली, जो परमिशन की यूसी ब्राउज़र की जरूरत नहीं एक्चुअली, बस एक ब्राउज़र ही तो है ना, स्टोरेज परमिशन शायद चाहिए या कुछ डाउनलोड करने के लिए, एंड लोकेशन परमिशन का मतलब क्या करेगा वो, लोकेशन क्यों चाहिए। तो यहाँ इसलिए आपको उसे आपको अनइंस्टॉल करना चाहिए। बहुत सारे ऐड फ्रॉड है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको बिना इनक्रिप्ट करके सेंड करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को, फोन के IMEI नंबर तक भी सेंड करते हैं। तो यहाँ स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद जो ऐप है ना वो है ES फाइल एक्सप्लोरर, ES फाइल मैनेजर कहते हैं एक्चुअली, ES फाइल मैनेजर। तो ये भी फ्रॉड टाइप का ही है, बहुत सारे एड्स आते हैं इसमें, लेकिन फाइल मैनेजर की जरूरत भी नहीं है ना, आपके फ़ोन में ऑलरेडी होता है। अगर चाहिए तो ओपन सोर्स फाइल मैनेजर आपको मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा। तो ES फाइल एक्सप्लोरर यूज़ मत करो, आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेल करते हैं, ऊपर से बहुत सारे मतलब एड्स भी आते हैं। एंड और भी कुछ ऐप्स है जैसे कि ट्रू कलर है, मैंने भी यूज़ करके रखा है उस ऐप को, ट्रू कलर ऐप को, बहुत ही घटिया ऐप है यार, आपके इन्फॉर्मेशन को सेल भी करते हैं ऊपर से, मतलब क्या मतलब वो आप हाइड खुद को हाइड नहीं कर सकते हो, हर किसी के फ़ोन में भी तो आपका जो नेम है ना वो दिखेगा ना, आपके कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं है फिर भी दिखेगा, तो आप तो देख सकते हो किसी के नंबर अगर सेव नहीं है तो, लेकिन आपका नंबर भी तो किसी ना किसी को लोग को दिखेगा ना वो। तो ट्रू कलर ऐप आप मत यूज़ करो, ऊपर से एड्स भी बहुत आते हैं, देखते हो ना बहुत सारे एड्स भी आते हैं। तो ये ऊपर से आपको क्लीन मास्टर ऐप जो होता है ना वो सब है ना, एंटीवायरस मतलब कुछ भी एंटीवायरस ऐप जो है ना उनका आपको इंस्टॉल करना नहीं चाहिए एक्चुअली, बैटरी सेवर ऐप ये सब इंस्टॉल करना नहीं चाहिए, इन सबको एक्चुअली कोई जरूरत होता नहीं है। बैटरी सेवर जो ऐप होता है ना उनमें ऐसे ही कुछ एनिमेशन होता है, वीडियोज़ होता है, वो दिखाते कि बैटरी चार्ज हो रहा है, फास्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वो मतलब ऐप की वजह से चार्ज कम होता है एक्चुअली। तो आपको वो सब इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, एंटीवायरस ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। एंड्रॉइड ना बहुत ही चालाक है, जो खुद को मतलब प्रोटेक्ट करना जानते हैं, या एंड्रॉइड को पता है कि कैसे आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो एंटीवायरस ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। लेकिन यहाँ विंडोज ये सब मतलब डेस्कटॉप के लिए एंटीवायरस ऐप की जरूरत होता है, लेकिन स्मार्टफोन के लिए ना एंटीवायरस का कोई ज़रूरत होता नहीं एक्चुअली। तो यार ये सारे ऐप मैंने खुद यूज़ करके रखा है, एंड बहुत ही फालतू की ऐप है मुझे पता है पर्सनली। और भी 100 से ज़्यादा ऐप्स है जो आपको अनइंस्टॉल करना चाहिए। 27 से भी ज़्यादा जो ऐप डेवलपर है ना उन लोगों ने ये सारे ऐप्स डेवलप करके रखा है। तो मतलब सारे के सारे ऐप डेवलपर मुझे लगता है सेम ही है। तो एक वेबसाइट है, एक ब्लॉग है जिन लोगों ने रिसर्च करके रखा है, रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया है। तो या उन लोगों को लगता है कि एक ही डेवलपर ने ये सारे डेवलप किया है एंड बस बिजनेस क्रिएट किया है ऐसे करके एंड्रॉइड ऐप्स का। तो उन लोग करते क्या है एक्चुअली, फालतू मतलब फालतू के ऐप्स क्रिएट करते हैं, जो ऑलरेडी जो पॉपुलर ऐप्स है ना उनका बस एकदम कॉपी वर्जन निकालते हैं, उनको प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं, प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हैं, उसके बाद बहुत सारे इंस्टॉल ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत यूजफुल ऐप होता है, जैसे कि कैमरा है, कॉल रिकॉर्डर है, छोटा छोटा मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप जो होता है ना, वीडियो एडिटिंग ऐप जो होता है, इनशॉट आपको पता होगा इनशॉट के बारे में, बहुत ही मतलब अच्छा एक वीडियो एडिटर है, स्मॉल वीडियो एडिट करने के लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये जो 27 ऐप डेवलपर है ना, जो मतलब ये मतलब फ्रॉड ऐप डेवलपर जो है वो क्या करते हैं, इनशॉट की तरह ही मतलब ऐप्स क्रिएट करके रखा है, मतलब सेम टू सेम कॉपी करते हैं बस, एंड उसके बाद ऐप क्रिएट करते हैं, उसके बाद पब्लिश करते हैं।
तो ये एक ही मकसद के उन लोगों का मनी अर्न करना है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन भी सेल करते कर सकते हैं एंड आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे परमिशन लिख के रखता है यार एक्चुअली। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉल रिकॉर्डर है, फिर उसको चाहिए क्या बताओ, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट चाहिए एंड उसके बाद जो कॉल आते हैं मतलब उनको चेक करना है एंड स्टेटस परमिशन चाहिए रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, है ना। बाकी तो कुछ नहीं चाहिए ना उनको, लेकिन कैमरा परमिशन क्यों चाहिए उसको, उसके बाद लोकेशन परमिशन क्यों चाहिए उनको। तो यहाँ ऐसे होता है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल देखो ऑडियो रिकॉर्डर ऐप है तो उसको लोकेशन परमिशन की क्या जरूरत है बताओ। उसके बाद कैमरा ऐप है उसको मतलब या लोकेशन परमिशन ये सब क्यों चाहिए उसको, स्टोरेज परमिशन चाहिए ऑब्वियसली एंड उसके बाद कैमरा परमिशन चाहिए, बाकी कुछ तो परमिशन नहीं चाहिए ना उनको, स्टोरेज परमिशन चाहिए, कैमरा परमिशन चाहिए, उसको लोकेशन परमिशन, कॉन्टैक्ट परमिशन, इन सब का क्या जरूरत है। लेकिन वो सर फॉल्टी को ऐप्स को ना बहुत सारे परमिशन लिख के रखा है, मतलब फॉल्टी की परमिशन लिख के रखता है एंड मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है शायद ऐसे करते हैं। तो इससे अच्छा तो आप वो सारे ऐप्स अनइंस्टॉल करो एंड जो ओरिजिनल ऐप्स है ना, जो अच्छा खासा ऐप्स जो है उनको इंस्टॉल करो, उसका अल्टरनेटिव वर्जन यूज़ करो जो मतलब ऑलरेडी मतलब इस्टेब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी मतलब पॉपुलर है, लोगों को पता है कि ये मतलब जेन्यून है, अच्छा है, तो वो इंस्टॉल करो। ऊपर से बहुत सारे एड्स लगा रखता है इसमें, एड्स होता रहता है, एड्स की वजह से आप कुछ कर भी नहीं सकते उन सारे ऐप्स में, ऐसा ऐसा एड्स होता है, फालतू के एड्स लगा रहता है, मतलब आता ही रहता है उनको, उनमें बस मानी अन करने के लिए ये सारे ऐप्स क्रिएट करके रखे हैं। तो या 100 से भी ज़्यादा ऐप्स है जो आपको अनइंस्टॉल करना चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वो ब्लॉग पर जाकर पढ़ सकते हो कौन कौन सी आपको अनइंस्टॉल करना चाहिए, तो या जाके देखो। सो या आज के लिए इतना ही एक्चुअली। अगर आपको ये वीडियो अवेलेबल लगा, हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी रिपोर्ट बना वो भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको उनमें कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट के रिप्लाई देता हूँ, आप इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ। और सो डोंट फॉरगेट टू विजिट माय ब्लॉग टू लर्न अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनलाइन बिजनेस एंड ब्लॉगिंग। आज के लिए इतना ही, लाइफ इज अ जर्नी, फिर मिलकर चलते चलते, बाय बाय।